आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली धमाका, 15 जवान हुए शहीद, 13 जवान हुए जख्मी। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने की सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा, आतंकी आका दुआ मांग रहे हैं मोदी हटाओ। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा चौकीदार चोर है, कांग्रेस का नहीं देश के किसानों का नारा। अब बुर्के के विवाद में कूदी साध्वी प्रज्ञा सिंह, कहा देश के हित में यह निर्णय लेना चाहिए। भोपाल में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, फिर भोपाल पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आतंकी अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान में छिपकर ये हिंदुस्तान की बर्बादी का सपना सजाता रहा है हमेशा, और भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, हर हमले के पीछे कहीं ना कहीं अजहर मसूद का नाम सामने आता रहा है। चीन के कारण ये आतंकी वैश्विक आतंकवादी होने से बचता रहा था, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों पुलवामा अटैक हुआ, उसके पीछे इसके संगठन का हाथ सामने आया और पाकिस्तान के हुक्मरान इसको बचाने में लग गए थे। लेकिन अब जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने थे, उसमें ये आवश्यक हो गया था कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादियों को चुन-चुन के सबके सामने लाया जाए और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब एक और दर्दनाक खबर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बुधवार दोपहर नक्सलियों ने महाराष्ट्र पुलिस की C-60 कमांडो के वाहन को आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया। इस वाहन में सवार 15 जवान शहीद हो गए, जबकि 13 जवान घायल हो गए। इस हमले में वाहन चला रहा एक ड्राइवर भी मारा गया है। गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने घात लगाकर बड़ी वारदात कर दी। नक्सलियों ने विस्फोट से जवानों का वाहन उड़ा दिया, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए। महाराष्ट्र पुलिस के C-60 कमांडो दो निजी बस में सवार होकर कोरसी की ओर जा रहे थे। कोरसी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा से लगा इलाका है। इस दौरान विस्फोट हुआ और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में निजी वाहन चालक और 15 जवानों के शहीद होने की सूचना है, जबकि 13 जवान घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, जो हमारे राजनांदगांव के बॉर्डर से लगा हुआ है, एक दुखद घटना हुई है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, उसके हिसाब से गाड़ी में ड्राइवर सहित 16 लोग थे, जिसे शायद माओवादियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया है, और 16 जवानों के शहीद होने की सूचना आ रही है। क्योंकि अभी गढ़चिरौली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत महाराष्ट्र के हमारी नहीं हो पाई है, तो जो जानकारी हमें मिली है, जो हमने हमारी नक्सल शाखा ने पता की है, उसके अनुसार ये लोग कल जो गाड़ियों को जलाने की घटना हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उधर जा रहे थे, तभी माओवादियों ने हमला किया। यहाँ गढ़चिरौली एरिया कमेटी के नक्सली सक्रिय हैं, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 150 की संख्या में नक्सली वहां मौजूद थे। घटना में कई जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नक्सली इस क्षेत्र में बीती रात से ही उत्पात मचा रहे हैं। मंगलवार रात नक्सलियों ने इस इलाके में सड़क निर्माण में लगे 27 वाहनों को जला दिया था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नक्सलियों को लेकर सरकार को एक सख्त रणनीति अख्तियार करनी होगी। ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब गोली से देना पड़ेगा, तब कहीं जाके स्थितियां काबू में आ सकती हैं। अब खबर मध्य प्रदेश के इटारसी से। इटारसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा की। उन्होंने जनता से कहा कि हमने आतंकियों को घुसकर मारा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आतंकियों में ये डर अच्छा है या नहीं। आज मोदी के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। मोदी को किसी भी तरह रोका जाए, मोदी को कैसे हटाया जाए, इसके लिए आतंक के आका दुआ मांग रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का राग छिड़ा। उन्होंने जनता से कहा कि हमने आतंकियों को घुसकर मारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आतंकियों में ये डर अच्छा है या नहीं। आज मोदी के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इसके लिए आतंक के आकर दुआ मांग रहे हैं। मोदी कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान का हवाला देते कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस वालों को आपके मोदी से इतनी नफरत हो गई है कि वो मोदी को मारने तक के सपने देख रहे हैं। कांग्रेस को ये साफ करना होगा कि वो किस टीम से खेल रहे हैं। कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत ये कर रही है। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, साथ आओ मलाई खाओ। कांग्रेस वंशवाद और भ्रष्टाचार में ईमानदार है। दिल्ली में नामदार का चेहरा चमकाने के लिए मध्य प्रदेश में प्रसूताओं के लिए भेजे गए पैसे को ही डकार गए। नोटों से भरे बोरे कांग्रेसियों के पास से निकल रहे हैं। ये डर अच्छा है कि नहीं? ये डर अच्छा है, उसी दिशा में चलना चाहिए। साथियों, आज मोदी के नाम से ही उनकी नींद उड़ गई है। मोदी को किसी भी तरह रोका जाए, मोदी को हटाया जाए, इसके लिए आतंक के आका दुआ मांग रहे हैं। दुआ। पीएम मोदी ने यहाँ श्रीलंका में हुए धमाके का जिक्र करते हुए जाकिर नाइक का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये वही जाकिर नाइक हैं जिससे मिलकर दिग्विजय सिंह तारीफ करते हैं। इसी जाकिर नाइक को कांग्रेस की सरकार ने हमारे पुलिस अफसरों को संबोधित करने के लिए बुलाया था, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके कराते हैं, उसका टीवी चैनल श्रीलंका को बंद करना पड़ा। उसे दिग्विजय सिंह जैसे लोग कंधे पर बैठा रहे हैं। ये वोट बैंक की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के दरबारी जाकिर नाइक को शांति का दूत बताने में जुटे हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी होशंगाबाद जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमपी में चौकीदार पर चर्चा की और खुलासा किया कि इसमें चोर है छत्तीसगढ़ के युवाओं ने जोड़ा। उन्होंने कहा ये नारा कांग्रेस का नहीं पूरे देश का है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिपरिया के आरएनए स्कूल मैदान में शैलेंद्र दीवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं आया तो पत्रकार सवाल कर रहे थे, पूछा ये चौकीदार वाला नारा कहां से आया। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में सभा कर रहा था, मैं बोल रहा था चौकीदार साहब ने क्या क्या घोटाले किए। इसके बाद मैंने जैसे ही चौकीदार कहा, वहां बैठे कुछ युवा बोले चोर है। ये मेरा नारा कांग्रेस का नारा नहीं है, ये देश के किसान का नारा है। मुझे भाषण देने के पहले बोलना पड़ता है, अब लोग खुद बोलते हैं। राहुल बोले किसी भी स्टाइल में बोल दो चौकीदार, आवाज़ आती है चोर है। नरेंद्र मोदी जी को बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, वे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण देते हैं। राहुल गांधी मंच पर कमलनाथ से बोले यह व्यापम का पूरा काम होना चाहिए, जरा देखिए। जनता से पूछा क्यों भाई, जाँच होनी चाहिए या नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में था, भाषण दे रहा था और ऐसी भीड़ में मैंने कहा कि चौकीदार जी ने वायदे किए। चौकीदार जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। चौकीदार जी ने कहा 15 लाख रुपए। चौकीदार ने कहा सही दाम दिलवाऊंगा। मैं बोल रहा था और साइड पे 10-15 युवा खड़े थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। और जैसे मैंने बोला चौकीदार, वो उन्होंने बोला चोर है। मैंने ठीक से नहीं सुना तो मैंने कहा भैया फिर से बोलो जरा। कहते हैं चोर है। तो ये जो आवाज आई है ये जनता के दिल से, युवाओं के दिल से आवाज आई है। ये मेरा नारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है, ये देश के किसान का, मजदूर का, बेरोजगार युवा का, माताओं बहनों का नारा है। राहुल गांधी बोले पुलवामा में जब ब्लास्ट हुआ
किसकी सरकार थी? जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला हुआ, वहां किसकी सरकार है? मैंने कांग्रेस नेताओं से जब बात की और कहा दिवाली में जैसे बम फूटता है धड़ से, वैसे ही मैं धमाका चाहता हूं। मैं 25 करोड़ आबादी को पैसे देना चाहता हूं। इसके बाद वे गए और वापस आए और कागज पर एक नंबर लेकर आए, 72,000 रुपये। इसके बाद उन्होंने शैलेंद्र दीवान से कागज पर 72,000 का आंकड़ा लिखवाया। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी से छोटे दुकानदार मर गए। नोटबंदी और जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स के बारे में कहा, मैं इससे उबरने के बारे में पूरी तैयारी कर चुका हूं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये तो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बात। इसके बाद भी तमाम सारी खबरें हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाल ही में श्रीलंका में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां की सरकार ने देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बुर्के पर बैन की मांग भारत में भी होने लगी है। शिवसेना ने देश की सुरक्षा की खातिर बुर्के पर बैन की मांग की है। शिवसेना की इस मांग को लेकर भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमें देश के हित में यह निर्णय लेना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने कहा अगर देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो इस पर बैन लगना चाहिए। जब हम सुरक्षा जांच के लिए हवाई अड्डे पर बुर्का हटाने के लिए कहते हैं तो हम विरोध नहीं करते। उन्होंने आगे कहा लोकतंत्र में हमें यह निर्णय देश के हित में लेना चाहिए। सरकार के बजाय खुद मुस्लिम समुदाय को बुर्के पर बैन का निर्णय लेना चाहिए। एयरपोर्ट में जाते हैं उस समय आप कुछ नहीं कह पाते, ठीक है। विदेशों में भी जाते हैं तब आपकी जांच होती है, निर्वस्त्र आपको कर दिया जाता है, तब आप कुछ नहीं कह पाते। और देश में भी जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तब आपको आपकी जांच होती है, आप बुर्का हटाते हो, हटाना ही पड़ता है, तब आप कुछ नहीं कहते हो। ऐसी जगह पे जहां आप कुछ नहीं कह पाते हो वहां आप ये कर लेते हो। परंतु ये लोकतंत्र है, जब ये चुनाव होते हैं सबको स्वतंत्रता है, उस समय आपको अपने देश के पक्ष में, देश के हित में ये निर्णय स्वयं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेंगे, क्योंकि देश को सर्वोपरि मानकर जब चलेंगे सभी तो मुझे लगता है ये भेद डालने वाले, फूट डालने वाले ये सब एक तरफ हो जाएंगे। शिवसेना ने बुर्के पर प्रतिबंध की अनुशंसा आपातकालीन उपाय के तौर पर की है, जिससे कि सुरक्षा बलों को किसी को पहचानने में परेशानी ना हो। नकाब या बुर्का पहने हुए लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। वहीं शिवसेना की इस मांग को बीजेपी के ही दूसरे गठबंधन दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खारिज कर दिया। रामदास अठावले ने कहा कि बुर्के पर भारत में बैन नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनने वाली सभी महिलाएं आतंकवादी नहीं हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब एक ऐसी खबर जो मध्य प्रदेश के लोगों को शर्मसार कर रही है। यह खबर मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी है। मासूम नाबालिग बच्ची के साथ एक वैश्य दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना पूरे भोपाल में आग की तरह फैल गई। कोई फिजा इलाके में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा के साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरा पत्थर से कुचल दिया। छात्रा अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बुआ और उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए मनुआ भान की टेकरी पर गई थी, वहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी गई कि बच्ची गायब है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई ऐसे कदम नहीं उठा पाए कि इस घटना को रोका जा सकता था या उसके तत्काल बाद इस बच्ची की
तरीके से खोज की जाती है। यहाँ पर भी पुलिस का ढीला ढाला रवैया मासूम के आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रहा और आखिरकार परिजनों ने खुद रस्सी से बांधकर पुलिस को आरोपी सौंप दिया। शाम 4 से 6 के बीच यह घटना हुई और टेकरी आते जाते सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद भी हो गए। पहले तो आरोपियों ने 13 साल की छात्रा के साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म किया और फिर बच्ची की पहचान न हो सके इसके लिए बड़ी ही बेरहमी से उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया। बच्ची अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बुआ और उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए मनुआभान की टेकरी गई थी। छात्रा लांबाखेड़ा रहती है और एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा है। इसी स्कूल में मृतिका की चचेरी बुआ भी कक्षा 12वीं की छात्रा है। चचेरी बुआ करौंद में कोचिंग पढ़ने जाती है। कल चचेरी बुआ दोपहर 3:30 बजे अपने साथ उसे भी घर से लेकर निकली थी। इसके बाद करौंद निवासी युवक जस्टिन और अविनाश साहू के साथ बाइक से मनुआभान की टेकरी पर पहुंचे। शाम 7 बजे बच्ची की बुआ घर पहुंची और परिजनों को बताया कि बच्ची नहीं मिल रही है। इसके बाद परिजनों ने कोही फिजात थाने में सूचना दी और टेकरी पर छात्रा को तलाश करने लगे। आज सुबह 6 बजे टेकरी में एक गुफा के अंदर छात्रा की बिना कपड़े के खून से लथपथ लाश मिली। मृतिका के चाचा ने बताया कि मनुआभान टेकरी वाले मोड़ पर हैमिल्टन कोर्ट नाम की कॉलोनी के गेट में लगे सीसीटीवी कैमरे में शाम 4 बजे जस्टिन, अविनाश साहू और दोनों लड़कियां आते जाते हुए दिख रही हैं। शाम 6:10 पर दोनों दो बाइक से वापस आते दिख रहे हैं लेकिन बच्ची उनके साथ नहीं दिखी। परिजनों का आरोप है कि इसी अवधि में जस्टिन और अविनाश ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या की। इस मामले में मृतिका की बुआ की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। बच्ची के चाचा ने बताया कि रात हम लोग टेकरी पर छात्रा को तलाश कर रहे थे तभी जस्टिन भी उसे तलाशने आ गया। जस्टिन 3 बार बयान बदल बदल कर बात कर रहा था तो शक होने पर उसे रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंप दिया। परिजन रात भर टेकरी में तलाश करते रहे लेकिन पुलिस 1 बार आई और वापस लौट गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तलाश करने में कोई मदद नहीं की। अविनाश साहू होली क्रॉस स्कूल में 12वीं का पास आउट है। वह मृतिका की बुआ का सीनियर और दोस्त है। जस्टिन भी अविनाश का दोस्त है। दोनों की उम्र लगभग 20 से 21 साल है। आरोपियों ने दोनों छात्राओं को करौंद से स्कूटी और बाइक से लेकर घटनास्थल पहुंचे थे। पुलिस जस्टिन और अविनाश साहू नाम के युवकों और मृतिका की चचेरी बुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस तीनों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। मध्य प्रदेश महिला अपराधों, बाल अपराधों और बलात्कार को लेकर पिछले काफी अरसों से सुर्खियों में है और इन घटनाओं में नंबर 1 है। इसके बावजूद प्रदेश पुलिस का रवैया हमेशा गैर जवाबदाराना रहता है। अब बात राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को हटीला बच्चा कहा और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, यह राहुल और उनके गुरु दिग्विजय सिंह ही कर देंगे। विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में चुनावी सभा करने सीहोर दिवड़िया गांव पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी, सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने राहुल को हटीला बच्चा कहकर खूब मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, यह राहुल और उनके गुरु दिग्विजय सिंह ही काफी है। सीएम कमलनाथ बेरोजगारी दूर करने के लिए अजीब अजीब से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नौजवानों ढोर चराओ, बैंड बजाओ, बकरी चराओ, बंदर नचाओ, रीच पकड़ लाओ। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के सारे भ्रष्टाचारी एकत्र हो गए कि मोदी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को खत्म करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी जी और उनके गुरु दिग्विजय सिंह काफी है। दिग्विजय सिंह का देशद्रोही, आतंकवादी, ये दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को मेहमानमंडित करते हैं। बटाला एनकाउंटर कांड में शहीद मोहन शर्मा के घर नहीं गए, आतंकवादी के घर पहुंच गए। ओसमा को जी कहने वाले, आतंकवादियों का सम्मान करने वाले, जिन्ना को नमस्कार करने वाले, ये देश बचाएंगे? बर्बाद हो जाएगा देश मेरे बहनों।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम के लिए लंबी लाइन है, जबकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम घोषित कर रखा है। सोमवार को ममता, मंगलवार को माया, बुधवार को अखिलेश, शुक्रवार को राहुल, शनिवार को चंद्रबाबू और रविवार को छुट्टी। शिवराज ने कन्हैया कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले दिग्विजय कहते हैं कि मेरा प्रचार करने कन्हैया कुमार आएगा। यह टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कन्हैया कुमार के जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगवाते हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर, कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने सशक्त और समृद्ध रीवा के नाम से अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने पेश किया। विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा, हवाई सेवा, कला, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास के साथ रीवा को पर्यटन हब बनाने की बात कही गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने सशक्त एवं समृद्ध रीवा के नाम से विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। सिद्धार्थ ने विजन डॉक्यूमेंट पेश कर कहा कि कांग्रेस रीवा का विकास चाहती है और विकास कैसे होगा इसका विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मनगावा की सभा में कहा था कि रीवा की जनता अगर कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को लोकसभा में भेजती है तो मध्य प्रदेश सरकार भोपाल की जगह रीवा से चलेगी। वह चाहते हैं कि रीवा का विकास छिंदवाड़ा की तर्ज पर हो। इसी के चलते विजन रीवा के नाम से कांग्रेस प्रत्याशी ने सशक्त एवं समृद्ध रीवा का निर्माण के लिए डॉक्यूमेंट जारी किया है। रीवा में राजनीतिक सुनाई हुई होगी, दिखाता है कि जनता में अभिमान है, जनता में जोश है, जनता अपने चीफ मिनिस्टर को प्रेम कर रही है, उनके कामों को अप्रिशिएट कर रही है, चाह रही है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे और रीवा का भी विकास करें। कल आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़ा सीधा सीधा बोला, आप सब मौजूद रहे होंगे, आप सबने कवर किया होगा कि रीवा की जो ताकत थी वो रीवा को वापस देनी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भोपाल रीवा नहीं चलाएगा, रीवा भोपाल चलाएगा। विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा, हवाई सेवा, कला, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास के साथ साथ रीवा को पर्यटन हब बनाने की बात कही गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा का विकास न होने की सबसे बड़ी वजह युवाओं को रोजगार और काम न मिलना बताया। सिद्धार्थ ने कहा 15 साल में रीवा में न तो कोई उद्योग लगा है और न ही कोई बड़ा शिक्षण संस्था आई है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की। छतरपुर से कांग्रेसों की गुंडागर्दी की खबर सामने आई है। डीजल भरवाने के विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंप कर्मचारियों की पिटाई की। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौगांव से सटे गांव खामा के पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ता की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पेट्रोल पंप पर डीजल भराने के विवाद के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों की पिटाई कर दी। पिटाई की वारदात पेट्रोल पंप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के समय आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के अंदर जाते दिख रहे हैं, फिर पेट्रोल पंप के अंदर बैठे मुनीम के साथ मारपीट करते हैं। जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी उन पर पलटवार करते हैं तो यह सभी वहां से भागते दिख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी के खिलाफ गांव के लोगों ने भी उनकी बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। यूपी के अजनर थाने को घटना की सूचना मिली तो वहां से भाग रहे 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धर दबोच लिया। यह सभी टीकमगढ़ जिले के जतारा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा में भाग लेने जा रहे थे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
छतरपुर के बाद ऐसी हंगामे की खबर भोपाल से। भोपाल नगर निगम के जोन 10 का निरीक्षण करने पहुंचे निगम आयुक्त बी विजय दत्ता के सामने उनके गार्ड से कुछ लोगों ने झूमा झटकी की और गाली गलौज की। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। आरोपी लोग नगर निगम कमिश्नर को अपनी समस्याएं बताना चाहते थे। नगर निगम कमिश्नर बी विजय दत्ता जोन 10 के तहत आने वाले क्षेत्रों में सफाई पेयजल अमृत योजना के तहत चल रहे नाला नाली निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जोन कार्यालय के पीछे झुग्गी बस्ती के 3-4 लोग कमिश्नर दत्ता से मिलने और बस्ती में हैंडपंप सुधरवाने और सार्वजनिक नल कनेक्शन लगाने की मांग की। कमिश्नर ने सहमति देते हुए संबंधित जल कार्य के इंजीनियर को इसके निर्देश दिए। इसके बाद वे एक नर्सरी को देखने चले गए, तभी पीछे से लोगों ने पीछे वाले रास्ते के बजाय आगे वाले रास्ते से जाने को कहा। जैसे ही कमिश्नर अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगे तो फिर लोग गाड़ी के सामने आ गए। उनका कहना था कि पहले उनके साथ बस्ती में चलें, अन्यथा गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कमिश्नर के साथ मौजूद गार्ड ने नीचे उतरकर हंगामा कर रहे लोगों को हटने के लिए कहा। इस पर लोगों ने गार्ड से झूमाझटकी शुरू कर दी। गार्ड ने अपनी गन निकाली तो लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और हंगामा मचा दिया। नगर निगम कर्मी के बीच बचाव कर कमिश्नर की गाड़ी को किसी तरह से रवाना किया गया। अरे 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 इसके बाद नगर निगम कमिश्नर की तरफ से जोनल अधिकारी बलवीर मलिक से शिकायत आवेदन पर आधा दर्जन शरारती तत्वों के खिलाफ बजरिया थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने व बलवा सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। एक बेहद चौंकाने वाली खबर जबलपुर से है। जबलपुर में 6वीं बटालियन मुख्यालय से मैगजीन, गार्ड रूम से राइफल और 40 कारतूस गायब होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। चोरी की खबर मिलते ही अधिकारियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। राइफलों की सुरक्षा में तैनात गार्डों से पूछताछ के बाद पुलिस ने SAF आरक्षक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से राइफल और कारतूस बरामद कर लिए हैं। 6वीं बटालियन के मुख्यालय से एक राइफल और 40 कारतूस चोरी हो गए। यह खबर ऐसे फैली कि महकमे में हड़कंप मच गई। रांची में पदस्थ 40 वर्षीय आरक्षक महेश टीकरी की 29 अप्रैल की सुबह बटालियन के मैगजीन गार्ड रूम में संतरी ड्यूटी लगी थी। सुबह करीब 9 बजे वहां SAF का आरक्षक कमलेश कुमार मार्को पहुंचा और वहां से कारतूस और एक राइफल गायब कर दी। कमलेश की वर्तमान में 6वीं सी कंपनी खंडवा में तैनात है। आरोपी 3 महापुरुष 6वीं बटालियन मुख्यालय जबलपुर में आरक्षक के पद पर रांची में 6वीं बटालियन का मुख्यालय है। यहाँ पर कमलेश मार्को नाम का एक आरक्षक पदस्थ था, जो विगत 2-3 माह से सी कंपनी खंडवा में पदस्थ था। कल वो वहाँ से बिना किसी सूचना के यहाँ जबलपुर आया था और आरमोरी में अपने जो साथी हैं उनसे मिलने आया था। वहाँ उनके साथियों से बातचीत के दौरान पुरानी पहचान का फ़ायदा उठाते हुए उसने वहाँ से एक राइफल SLR और 40 कारतूस चुरा लिए और यहाँ से भाग गया। कमलेश ने 6वीं बटालियन के गार्ड रूम पहुंचकर महेश टीकरी से पानी पीने के लिए मांगा था और मौके पर फायदा उठाकर कमलेश ने एक SLR राइफल और 40 कारतूस चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक कमलेश के जाने के पश्चात थोड़ी देर बाद प्रबंधन आरक्षक अशोक कुमार आया और संतरी ड्यूटी पर तैनात महेश से बात करते हुए राइफलों को चेक किया। राइफलों की गिनती करने पर एक SLR राइफल और 40 कारतूस कम मिले। राइफल चोरी होने की सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया। संतरी ने इस चोरी का संदेह आरक्षक कमलेश पर व्यक्त किया, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने SAF कर्मियों के साथ क्षेत्र की घेराबंदी की तो राइफल चुराने वाला आरक्षक पकड़ा गया। उसके पास से राइफल और 40 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। चुनाव के मद्देनजर रीवा के TRS कॉलेज में चुनावी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विधानसभाओं के सभी कर्मचारियों को चुनाव संपन्न कराने की ट्रेनिंग दी गई। रीवा के TRS कॉलेज में 30 अप्रैल तक चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। सभी विधानसभाओं के कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा सिलसिलेवार चुनाव संपन्न कराने की ट्रेनिंग दी गई। चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया। आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पीठासीन व मतदान अधिकारियों को मतदान संबंधी कार्य को गंभीरता व पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए गए। मतदाताओं को मतदान के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतदान की ट्रेनिंग लोकसभा चुनाव से संबंधित 25 तारीख से 30 तारीख तक दूसरा चरण है, जिसमें प्रशिक्षण चल रहा है। महाविद्यालय में लगभग 30 कमरों में प्रशिक्षण
या EDC से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है, इसमें तो हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं और एक सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी TRS वाले ने निभा की है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। चुनाव में खाली आप मतदान नहीं करते, नेता अपने मुद्दे आपके सामने रखते हैं जिससे प्रभावित होकर आप या तो उनके पक्ष में आते हैं या विपक्ष में जाते हैं, और आपके वोट डालने से लेके वोटों की गिनती तक तमाम सारे कर्मचारी इस काम में लगे होते हैं जिनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बुजुर्ग के अंधे कत्ल का खुलासा गाडरवाड़ा पुलिस ने किया। इस बुजुर्ग की पुरानी रंजिश के चलते इसके पड़ोसी ने हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। डोंगरगांव पुलिस को 26 अप्रैल को खबर मिली कि पास ही के खेत में एक बुजुर्ग का शव पड़ा है। पुलिस ने पाया कि कुछ समय पहले ही बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया जिससे खुलासा हुआ कि बुजुर्ग की हत्या बड़ी ही बेरहमी से हुई है। इस अंधे कत्ल हत्याकांड में अज्ञात मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह और गाडरवाड़ा SDOP SR यादव द्वारा टीम का गठन किया गया। लगभग 100 फीट 150 फीट की दूरी पर इसकी भी टपरिया थी। दोनों टपरिया अकेली थी। मृतक द्वारा उसकी पत्नी को भी रास्ते में परेशान किया गया था और उसकी जो मेड़ है वो भी खोद ली गई थी। साथ ही इस फसल में जब धान की फसल थी तो उसको पानी नहीं दिया और रात्रि में चाहे जब वो उसको गाली गलौज करता रहा, इन सभी बातों से वो धीरे धीरे प्रताड़ित होने लगा और इस प्रताड़ना के फलस्वरूप उसने गत रात्रि में अर्थात 26 की रात्रि में उसको किला पाकर उसकी कुल्हाड़ी और डंगिया से उसके सिर में और मुंह में गंभीर चोटें पहुंचाई और जिससे उसकी मृत्यु हो। पुलिस ने मृतक के पड़ोसी से जब पूछताछ की तो पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। पुलिस ने जब दोबारा उसी पड़ोसी युवक से पूछताछ की तो उसने हत्या के सब राज पुलिस के सामने उगल दिए। आरोपी ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते उसने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार मृतक पर धारदार हथियार से सिर पर वार किए गए जिससे उसकी मौत हो गई। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। अब एक और बेहतरीन खबर। पढ़ाई का महत्व समझने वाली दुल्हन ने साथ फेरे लिए, अपने ससुराल गई और फिर परीक्षा देने कॉलेज पहुंच गई। शादी के जोड़े में एग्जाम देने पहुंची दुल्हन को देखकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। कहते हैं पढ़ाई का जिंदगी में बहुत महत्व है। जो पढ़ाई नहीं कर पाता है उसकी जिंदगी तकलीफ भरी होती है। लेकिन छतरपुर के नौगांव के कॉलेज में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां पढ़ाई का महत्व समझने वाली दुल्हन परीक्षा देते नजर आई। जया अनुरागी की शादी हुई और वो शादी के बाद टीकमगढ़ जिले के जतारा चली गई, लेकिन उसके BA फर्स्ट की परीक्षा का पेपर था। जया ने शादी होने के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने परिजनों के साथ पेपर देने बाबू डिग्री कॉलेज जाई और शादी के जुड़े में परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद वापस ससुराल चली गई। जया की पढ़ाई के प्रति इस लगन पर कॉलेज के प्रोफेसर की तारीफ करने में पीछे नहीं हटे। उनका मानना है कि पढ़ाई जीवन में बहुत कुछ देती है। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ की निवासी हैं आप? कौन से क्लास के पेपर दिए बेटा आपने? शादी कितनी तारीख की थी आपकी?
छात्रों की जागरूकता का प्रमाण है कि शादी होने के बाद भी वो उसी साड़ी में परीक्षा देने के लिए आई, तो ये जागरूकता का प्रमाण है छात्र छात्राओं का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। जो लोग पढ़ाई का महत्व समझते हैं वो पढ़ाई से दूर रह ही नहीं सकते हैं, इस वाक्य से यही साबित होता है। और अब एक देश से जुड़ी खबर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन फैनी तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है और अगले एक या दो दिन में ये ओडिशा पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग ने राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा के तटों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव ज़्यादातर बौद्ध, कालाहांडी, संबलपुर, देवगढ़ और सुंदरगढ़ में नजर आएगा। कहा जा रहा है कि चक्रवात फैनी तितली चक्रवात से भी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के अनुसार चक्रवात फैनी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और फिर दिशा बदलकर उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा। इसके बाद संभवतः यह गोपालपुर और चांदबली के आसपास सट से टकराएगा। यहां से यह पुरी के दक्षिण की तरफ बढ़ेगा और उस समय हवाओं की रफ्तार 175-185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार गंजमपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं गजपति, खुर्दा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालासोर में यह 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी ने बताया कि 3 मई तक चक्रवात तूफान फेनी ओडिशा तट से टकरा सकता है। ऐसे में तटीय जिलों में जिलाधीशों को सतर्क रहने को कहा गया है। ओड्राफ, एनडीआरएफ तथा दमकल वाहिनी कर्मचारियों को पहले ही वहां पर भेज दिया जाएगा। प्रभावित होने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, इस समय तो नेताओं को जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। दिन में शोक सभाओं में जाते हैं, रात में शादियों में जाते हैं, दिन में आंसू बहाते हैं, रात में ठहाके लगाते हैं। बताओ, ये यदि एक्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ही एक्टर बनना पड़ता है बता रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, एक वो आजम खान है जो यूपी के, वो कुछ भी भगते रहते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर ही वो दबिश डाल दी। बताओ, उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया चुनाव आयोग ने। 48 घंटे मुंह नहीं खोल सकते। और मैं बता रहा हूँ, आचार संहिता को है ना, ये नेता लोग आचार संहिता समझ रहे हैं, आचार बना के रख दिया है, बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा तो चल रहा है। और ये खबर इधर से आ रही है, देखो, ये जो एती है ना, हिम मानव, उसके भारतीय सेना ने वो उसके निशान पाए हैं बर्फ पे, उसके पाँव दिखे उनको जाते हुए, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके लाए। और इस पर भी राजनीति शुरू कर दी लोगों ने। बताओ, वो तरुण विजय कह रहे हैं उनको जानवर नहीं बोलना चाहिए। अरे मानव है, ठीक है माना। और वो दूसरे है उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि अब भाजपा है ना, हिम मानव को है ना चुनाव में उसका फायदा उठाएगी। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हर चीज़ को मतलब पॉलिटिक्स करना जरूरी है। और एक खबर ये देख लो, शिवसेना ने है ना बुरके पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है, प्रज्ञा भारती ने इसका समर्थन कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ, ये तो मांग ये सब ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, ये जो नेता लोग हैं इनकी जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर जो बुरका डला हुआ है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बताऊँ, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बताते कुछ और हैं। हाँ, बता नहीं, ऐसा चल रहा है। और एक हमारे ये बड़े उद्योगपति हैं, नेस बाड़िया साहब, इनने हमारी नाक कटवा दी जापान में जाकर, छुट्टियाँ मनाने गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है, इनके पास ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया। अब मैं कह रहा हूँ, ड्रग्स वगैरह लेना है घर पर ही ले लो ना, वहाँ क्यों जा रहे हो इतनी दूर? ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। ये खबर, ये थोड़ी सी अच्छी खबर है बता रही हूँ। तो चाइना आप क्या है, मसूद अजहर पर जो प्रतिबंध लगाने का थोड़ा सा मन बन गया है इनका। मैं कह रहा हूँ, बना लो मन, जब धमाके होंगे ना बम धमाके, तब समझ में आ जाएगा क्या होता है आतंकवाद। हम लोग है ना बरसों से भुगत रहे, हम जानते हैं। और ये बेकार खबर हो रही है, बताओ भोपाल से, भोपाल ये बच्ची है कोचिंग से गायब हो गई, बताओ उसके साथ बलात्कार वगैरह हुआ है, उसकी हत्या हो गई। और मैं कह रहा हूँ, पुलिस की पता नहीं क्या करती रहती है और प्रशासन क्या कर रहा है, मेरे को पता नहीं। मैं ऐसे लोग, जाहिल लोग कैसे ये काम कर लेते हैं बता रही हूँ। मैं तो इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए सीधी। मैं चला, मेरा दिमाग खराब हो गया, फांसी का फंदा बनवाने जा रही हूँ। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।